दोस्तों इस वीडियो में हम HDFC बैंक के एक बहुत ही फेमस क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड। अब इस वीडियो में हम HDFC बैंक के इस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के सभी एडवांटेजेस, सभी बेनिफिट्स और इसके साथ साथ इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो छोटी छोटी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी रहती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब इस क्रेडिट कार्ड का अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं तो ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली अपने रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पे काम करता है। अब मान लीजिए HDFC बैंक की ही अगर मैं बात करूं तो HDFC बैंक के ज़्यादा नहीं तो कम से कम भी 20 से 25 अलग अलग तरह के क्रेडिट कार्ड हैं। तो यानी हमें एक तरह से क्रेडिट कार्ड लेते टाइम ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि वो क्रेडिट कार्ड जो भी हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके क्या फीचर्स हैं और जो भी फीचर्स हैं क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है। तो इस वीडियो में हम इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीचर्स को ही एनालाइज करेंगे, साथ साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को भी देखेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो ये आपको डिसाइड करना है कि ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर HDFC बैंक का ही कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड हमें लेना चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी बेस्ट कोशिश करूंगा और पूरी एक बेस्ट रिसर्च के साथ इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है इसके क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले ये जो क्रेडिट कार्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम पे काम करता है, सबसे पहले HDFC बैंक ये बोलता है कि अगर आप 150 रुपये स्पेंड करते हो किसी भी रिटेल शॉपिंग पर, यानी कहीं आप दुकान पे चले गए तो आपने क्रेडिट कार्ड से जो है परचेज कर ली, तो उस केस में आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब एक रिवॉर्ड पॉइंट की क्या वैल्यू है ये मैं आपको अभी अगली स्लाइड में बताऊंगा, पर सबसे पहले एक बार हम इसका क्रेडिट कार्ड का जो ये रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम है इसको समझ लेते हैं। तो पहला हमने समझा कि रिटेल स्पेंड, यानी कहीं पे भी एक तरह से आप समझ लो ऑफलाइन स्पेंड करने पर, 150 रुपये खर्चने पर मुझे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। वहीं ये बैंक, ये HDFC बैंक का जो मनी बैक क्रेडिट कार्ड है, ये लोग बोलते हैं कि अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो, ऑनलाइन इन द सेंस कि कोई भी ऑनलाइन परचेज की, तो उस केस में अगर आप 150 रुपये खर्च करते हो तो उस केस में आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, यानी 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये जो ऑनलाइन स्पेंड में इन्होंने कहा है कि हम आपको डबल रिवॉर्ड पॉइंट्स देंगे ऑफलाइन कंपैरिजन में, तो यहाँ पे मतलब 150 रुपये स्पेंड करने पे ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स तो देंगे, लेकिन इसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको महीने में ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही देंगे। अब ठीक है, कोई बात नहीं, 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिलेंगे ऑनलाइन स्पेंड अगर हम करते हैं तो 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने के बाद ये लोग बोलते हैं कि दोबारा 500 रिवॉर्ड पॉइंट एक बार अगर आपके पास हो गए और उसके बाद भी अगर आप ऑनलाइन कुछ ना कुछ स्पेंड करते हो, फिर आपको 150 रुपये खर्च करने पर दोबारा वही 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे जैसा ऑफलाइन में मिलता है। यानी एक तरह से आप समझ ही गए होंगे कि 150 रुपये खर्चने हैं ऑनलाइन में तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 500 ही रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, और ऐसे ही जब 500 इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद 150 रुपये खर्च करने पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स तो ठीक है, लेकिन एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू किसके बराबर है? तो इस केस में एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपकी 0.20 रुपीज़ के बराबर है। तो यही चीज़ यहाँ पे अब आपको समझनी होगी कि आपको जो 500 रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहे हैं कि एक तरह से सिर्फ 100 रुपये के बराबर ही है, तो कुछ बहुत ज़्यादा कुछ खास रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहे, और यही इसका एक बहुत बड़ा मेन एडवांटेज है। और पता नहीं क्यों ये क्रेडिट कार्ड इतना ज़्यादा फेमस हो रखा है। तो इस केस में आप समझो ध्यान से, 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल गए, यानी आपको सिर्फ 100 रुपये ही मिले, कोई बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे नहीं मिले आपको। तो इस केस में जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं, इसे आप चाहे तो कैशबैक की फॉर्म में भी ले सकते हो, चाहे इनका एक टाई अप HDFC बैंक का स्मार्ट बाय के साथ, तो स्मार्ट बाय से आप फ्लाइट टिकट, होटल टिकट बुक कर सकते हो, तो वहाँ पे भी अपने ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं इसे आप फ्लाइट टिकट या होटल बुकिंग में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो उस केस में भी चाहे कैशबैक लो, चाहे फ्लाइट बुकिंग करो, होटल बुकिंग करो, हर जगह एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 20 पैसे के बराबर ही है। इसके अलावा इसका जो दूसरा बेनिफिट है HDFC बैंक का मनी बैक क्रेडिट कार्ड, सिंपली ये बोलता है कि हम लोग आपको 500 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर देंगे अगर आप एक क्वार्टर में 50,000 रुपये का सामान परचेज कर लेते हो। तो ये भी मैं नहीं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कुछ खास, क्योंकि 50,000 रुपये अगर आप स्पेंड करते हो 3 महीने में, उसके बदले सिर्फ 500 रुपये आपको मिल रहे हैं एज अ वाउचर, तो बहुत बड़ा एडवांटेज हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा ये बात चलो ठीक है, अब एडवांटेज है तो हमें डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन इसके भी बहुत सारे, एक तरह से आप ये मान लो कि एक केस स्टडी है बहुत लंबी। ये लोग बोल रहे हैं कि 500 रुपये का वाउचर तो हम दे देंगे, लेकिन आपको 500 रुपये का वाउचर कहाँ खर्च करना है, किस ब्रांड के साथ खर्च करना है, ये आपको हमें बताना होगा। इन्होंने ब्रांड्स के ऑप्शन दिए हैं, पिज़्ज़ा हट, बुक माई शो, बिग बाज़ार, बाटा, लेवाइस, वुडलैंड, मेनलैंड चाइना और मिंत्रा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि ये 500 रुपये आप कहाँ खर्च करोगे।
जो आपको वाउचर मिलेगा वो सिर्फ 90 डेज के लिए ही वैलिड होगा, और ये लोग बोलते हैं कि आपको पहले 60 डेज के अंदर अंदर ये बताना होगा कि इस वाउचर को आप कौन से ब्रांड के साथ यूज़ करोगे। अगर आप नहीं बता रहे हो कंटिन्यूसली तो ये दो रिमाइंडर्स भी भेजेंगे, पहला रिमाइंडर भेजेंगे 30 डेज के बाद और दूसरा रिमाइंडर आपको भेजेंगे 45 डेज के बाद। इसके अलावा इसका जो दूसरा एक और बेनिफिट है वो है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। अब फ्यूल सरचार्ज वेवर तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बैंक कल भी खुला ना तो वो भी अपने क्रेडिट कार्ड पे फ्यूल सरचार्ज वेवर जरूर दे देगा, क्योंकि इतना कॉमन ये एक तरह से बेनिफिट है, मतलब हर बैंक ही देता है कि 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर तो आपको मिलेगा ही। तो ये भी कुछ बहुत ज़्यादा यूनिक कुछ ऐसा नहीं है कि आपको एक मतलब बेनिफिट मिल रहा है। और इसके अलावा एक ये है कि वेलकम बेनिफिट में आपको 500 कैश पॉइंट्स मिल जाते हैं, और एक और अच्छा बेनिफिट ये है कि आपको रिन्यूअल बेनिफिट मिल जाता है कि अगर मान लीजिए आप 50,000 रुपये साल में खर्च करते हो तो आपको रिन्यूअल फीस नहीं पे करनी होगी। अब रिन्यूअल फीस और ज्वाइनिंग फीस मैं अभी बताऊंगा आपको, लेकिन ये एक अच्छा बेनिफिट है कि ठीक है चलो 50,000 रुपये अगर आप स्पेंड कर देते हो साल में तो उस केस में आपको रिन्यूअल फीस पूरी माफ़ हो जाएगी। इसके अलावा एक बेनिफिट ये लोग ये भी बोलते हैं कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का बेनिफिट मिलता है, यानी वो जो टैप एंड पे होता है उसका बेनिफिट मिलता है। तो वो भी मैं नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि उसमें आपको कुछ पैसे तो बच नहीं रहे, बस एक सुख सुविधा है कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने पे आपको जो है एक तरह से पिन वगैरह नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन आपको एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इंडिया में करंट रूल्स के हिसाब से 5,000 रुपये तक ही आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपको फिर वही पिन वगैरह सब कुछ डालना पड़ता है। तो RBI के हिसाब से आप 5,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट की कॉन्टैक्टलेस पेमेंट नहीं कर सकते। अब इसके बाद एक बार अगर हम इस HDFC बैंक के मनी बैक क्रेडिट कार्ड की फ़ीस को डिस्कस करें तो ये लोग ज्वाइनिंग फीस 500 रुपये ले रहे हैं और रिन्यूअल फीस भी 500 रुपये ले रहे हैं। रिन्यूअल फीस आप माफ़ करा सकते हो अगर 50,000 रुपये स्पेंड कर लेते हो साल में, लेकिन एक बार के लिए मान के चलो कि 50,000 रुपये हम स्पेंड नहीं कर पाए तो आपको 500 रुपये रिन्यूअल फीस भी पे करनी पड़ेगी। अब कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। चलो अब इसको अगर हम कंपेयर करते हैं HDFC बैंक के दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड के साथ, तो मैं पर्सनली आपको ये कहूँगा कि इस क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा बढ़िया है HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। बाकी आपकी चॉइस है, मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हो। लेकिन रीज़न मैं बताता हूँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 500 रुपये आप यहाँ पे भी पे कर रहे हो मनी बैक क्रेडिट कार्ड के अंदर, और 1,000 रुपये फीस है HDFC बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की। अब यहाँ पे आप समझो कि एक तरह से इसका जो रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम था वो क्या था कि आपको 500 हम रिवॉर्ड पॉइंट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, एक बार अगर हम 4 रिवॉर्ड पॉइंट लेना चाहते हैं 150 रुपये खर्च करने पर, 500 रिवॉर्ड पॉइंट 20 पैसे के बराबर एक रिवॉर्ड पॉइंट है, यानी आपने क्या कमाया 100 रुपये। और इस केस में आ जाओ आप मिलेनिया में, मानता हूँ 500 रुपये ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी, लेकिन एक बेनिफिट ये भी तो समझो आप कि यहाँ पे आपको ये लोग भी कैपिंग रखते हैं कि 20,000 रुपये का ही ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्चा करोगे तो ही हम 5% का कैशबैक देंगे। तो इसकी वाली बात तो डिटेल वीडियो मैंने डाली हुई है, आप सर्च कर लेना, सिंपली लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर सर्च कर लेना HDFC बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, ब्रैकेट में चैनल का नाम डाल देना XY एक्सिस एजुकेशन, ईजिली आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो एक कंपेरिजन हो जाएगा। तो ये लोग बोलते हैं कि 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्च कर सकते हो, यानी 5% तभी हम कैशबैक देंगे। तो 20,000 खर्च करोगे उसका 5% मिलेगा, यानी 1,000 रुपये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कैशबैक दे रहा है। और उसके अलावा इनके पार्टनर ब्रांड ऐसे ऐसे हैं कि जैसे Amazon, Flipkart और दूसरी तरफ आपका ये Myntra, ये सारे बड़े बड़े जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं वहीं पर जाके बेसिकली हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से पर्सनली तो मैं आपको HDFC बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड ही प्रेफर करूँगा मनी बैक क्रेडिट कार्ड के कंपेरिजन में। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस मनी बैक क्रेडिट कार्ड का, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल।